यह सच्ची कहानी उन 8 कैदियों की है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा एक आइलैंड पर ले जाया गया जबरदस्ती काम करवाने के लिए, जहां इन्हीं की तरह बहुत सारे कैदियों को लाया गया है। पर एक दिन एक ऐसा समय आया जब ये सभी के सभी इस आइलैंड से भागने का फैसला किए। ये भाग तो गए पर जंगल में पहुंचकर इनके साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जिस तरह इंडिया सहित यूरोप के कई सारे देशों में अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक राज किया था, सेम इसी तरह सन 1822 के टाइम इनकी हुकूमत थी ऑस्ट्रेलिया में भी। ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेस है तस्मानिया, जहां था एक होबार नाम का कस्बा। यहां पर भी ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय वहां की जमीन लोगों के लिए किसी नर्क से कम नहीं थी। जो भी इन अंग्रेजों के खिलाफ जाता था या इनकी बातें नहीं मानता तो उसे सजा के तौर पर जेल में डाल दिया जाता। उस समय इनका जिस भी इलाके में कब्जा होता था, इनके विरुद्ध जाने वाले जितने भी लोगों को कैदी बनाया जाता, उनमें से यदि कोई जेल से भागना भी चाहे तो भी नहीं भाग सकता था, क्योंकि उस टाइम जितने भी कैदी भागने की कोशिश करते, अगर उनमें से कोई गलती से भी पकड़ा गया तो उसे पूरे पब्लिक के सामने फांसी की सजा दे दी जाती थी। इसलिए कोई अकेला कैदी भागने के बारे में भी नहीं सोच पाता था। पर उसी हार्वर्ड जेल में एक ऐसा कैदी था जो खुद वहां से भागा ही नहीं बल्कि अपने 5 और साथियों को ले गया। पर इनके भागने के 3 महीने बाद उसी जेल में 3 लोग अलेक्जेंडर पियर्सन नामक बंदे से मिलने आए हैं। जब ये तीनों उसके सेल में पहुंचे तो देखने को मिला कि उसकी हालत बहुत खराब है। इन्हें लगा शायद वह मर चुका है। वहां से जाने वाले थे कि अलेक्जेंडर पियर्सन उठ खड़ा हुआ, पर वह वहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। वह जिस काल कोठरी में है वहां उसके हाथ पांव में जंजीरें थी। ये जो 3 लोग मिलने आए थे उनमें से एक पादरी है। वह पियर्सन से जानना चाहता है कि वह यहां पहुंचा कैसे। इस तरह पियर्सन सारी सच्चाई बताना शुरू की। बताता है कि आज से लगभग 2 साल पहले सन 1822 में कैद किया गया। सजा के तौर पर इसे सरा आइलैंड पर ले जाया गया, जहां इसी की तरह बहुत सारे कैदी थे। इस आइलैंड पर लाकर इन्हें सजा के तौर पर काम कराया जाता था। कुछ दिन काम करने के बाद उन्हें अंग्रेजों की सच्चाई पता चली, जहां उसे देखने को मिला यहां जो कमजोर कैदी थे, जो ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाते थे, उन्हें कोड़ों से मारा जाता था। पर उनकी सजा दर्दनाक तब होती थी जब उन्हें लगता था कि ये कैदी इस आइलैंड से भागने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए समय समय पर सभी कैदियों को अलर्ट किया जाता था कि ये एक आइलैंड है, यहाँ से भागने के बारे में भी मत सोचना। अगर चाहते हो कि हम भी तुम लोगों का हाल इन्हीं की तरह न करें तो जुबान बंद करके सिर्फ काम करो। पियर्सन भी बाकी कैदियों की तरह उनके जुर्म को सहता गया। उनसे ओवर टाइम काम करवाया जाता, खाने के लिए भी सही से नहीं दिया जाता था, पर फिर भी ये इनके कहे अनुसार चीजें करने पर मजबूर थे। जब इनका कैदियों पर कुछ ज्यादा ही जुल्म बढ़ गया तो 6 लोगों का ग्रुप प्लान किया कि अब हम ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रहेंगे, हमें यहाँ से भागना होगा। इन 6 लोगों में पियर्सन भी शामिल था। एक दिन वह समय भी आया जब ये यहाँ से भाग सकते हैं। हर रोज की तरह इन्हें एक बार फिर जंगल में ले जाया गया लकड़ी काटने के लिए, पर सौभाग्यवश उस टाइम सिर्फ एक ही अंग्रेज उन पर नजर रख रहा था। यह मौका पाकर उस पर हमला कर दिए। उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो गई। फाइनली इन्हें मौका मिल गया इस आइलैंड से भागने का। उनमें से कुछ लोगों ने तो बोट से जाने का फैसला किया, पर इन 6 लोगों के अलावा बाकी जो भी कैदी थे वे भी कहने लगे कि हमें भी अपने साथ ले चलो, पर ये छोटी नाव से एक साथ नहीं जा सकते थे। इसलिए इन्होंने डिसीजन लिया, हमें जंगल के ही रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। ये जो भी चीजें अलेक्जेंडर पियर्सन के साथ चल रही है, ये सारी बातें वह बता रहा है पादरी को। पादरी पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ, तो पियर्सन बताते हैं, हम सभी नाव की बजाय जंगल के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला किए। ये इसी तरह अगले 4 दिनों तक जंगल में चलते गए। रात को जहाँ पर भी रुकने के लिए सुरक्षित जगह मिल जाती, आग जलाकर रुका जाता। सुबह होने पर फिर से वही प्रोसेस शुरू होता था। इस टाइम इनके ग्रुप में लगभग 8 लोग थे। इसी वजह से इन्हें दोबारा से पकड़े जाने का जरा भी डर नहीं है। इन्होंने तो सोच लिया है अगर बीच रास्ते में कोई भी आया तो हम उन्हें खत्म कर देंगे। फाइनली ये इसी तरह आगे चलते गए। इस जंगल के सफर में इन्हें काफी चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए आने से पहले नाव पर कुछ जरूरत के सामान थे जिसे ये ले लिए हैं। इन्हें इस टाइम कहाँ जाना है इसका तो कुछ पता नहीं, बस ये चलते जा रहे हैं। प्लान तो हार्वर्ड कस्बे में ही जाना था, पर इन्हें पता है अगर दोबारा से हम वहाँ गए तो हम पकड़े जाएंगे। इसीलिए अभी यही सोचा गया कि जो भी हो पहले हमें इनसे दूर जाना होगा, फिर आगे सोचेंगे कि कहाँ जाया जाए। पर यहाँ इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, इन्हें सही डायरेक्शन का भी पता नहीं।
उनमें से कुछ लोगों को इस बात पर भी डाउट है हम सुरक्षित दिशा में जा भी रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि अगर ये गलती से भी ब्रिटिशर्स के नज़र में आए तो ये दोबारा से पकड़े जाएंगे। पर 8 दिनों बाद भी इनके सामने ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई जिसे लेकर ये परेशान हो रहे थे। फाइनली अभी भी सारी चीजें नॉर्मल है। ये कभी जंगल को पार करके खाली मैदान में पहुँचते थे तो कभी वापस से आ जाते थे जंगल में। रात गुजारने के लिए जहाँ भी सेफ जगह मिलता आग जलाकर रुक जाया करते थे। 9वें दिन की सुबह की शुरुआत के टाइम इन्होंने पाया इनके पास जो भी जरूरत के सामान थे खत्म हो चुके हैं। सभी को जोरों की भूख लग रही है। अब तक ये जंगल के बाहर आ चुके थे। उनमें से 2 भूख प्यास से इतने थक चुके हैं कि अब उनका चलना भी मुश्किल है, मगर पियर्सन उन्हें बार बार कहता है कि जल्दी चलो, अगर रुके तो पकड़े जाओगे, थोड़ा और चलो, हम जल्द ही जंगल में पहुंच जाएंगे, वहां खाने के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा। इतना सब जानकर पादरी वापस से पूछता है क्या तुम्हें जंगल वापस से मिला या फिर नहीं। पादरी को बताया गया उस दिन तो जंगल नहीं मिला, हमें उन पहाड़ी पठारी एरिया में ही रात गुजारना पड़ा। फाइनली सुबह हुआ, हम सभी वापस से चलने लगे। जैसा कि पिछली रात भी उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए अगले दिन की सुबह सिचुएशन पहले दिन से भी ज्यादा खराब हो गई। अब तक तो 2 लोग थके हारे थे, पर अगले दिन उनमें 2 और शामिल हो गया। जहां पियर्सन अपने बाकी 3 साथियों के साथ साथ आगे आगे चल रहे हैं, तो उसके विपरीत बाकी 4 लोग अभी भी पीछे हैं। इतने खराब सिचुएशन को देख उनमें से एक कहने लगा कि हम ऐसे ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे, अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ खाने के लिए चाहिए होगा, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो इनकी भूख मिटा सके। पर इनकी ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि हम में से किसी एक को मरना होगा ताकि उसका मांस खाकर बाकी लोग जीवित रह सकें। पियर्सन ये बात जैसे ही पादरी को बताई, पादरी उस पर गुस्सा हो उठा, कहने लगा कि तुम लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे, हमारे रिलीजन में ऐसा सोचना भी पाप है। मगर पादरी को उम्मीद है पियर्सन ऐसा कुछ नहीं किया होगा। आगे पूछता है कि उसके बाद तुम लोगों ने क्या सोचा। पियर्सन आगे बताते हैं कि उस टाइम हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने बाकी लोगों को समझाया भी कि हम खुद जीवित रहने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं ले सकते। उस टाइम सभी लोग तो ऐसे रिएक्ट किए मानो जैसे ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर उसी रात जब सभी लोग सो गए तो पियर्सन देखता है कि आधी रात 2 लोग नींद से उठे, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। दोनों पलक झपकते ही एक बंदे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिए। उस बंदे की वहीं डेथ हो गई। वह उस टाइम सो रहा था, उसे पता भी नहीं चला होगा। ये सब होता हुआ पियर्सन भी देख रहा है, पर वह कुछ नहीं किया क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी पता है अगर वह इन्हें ऐसा करने से रोक भी ले तो आगे चलकर ये एक एक करके वैसे ही मारे जाएंगे। इस तरह ये उस बंदे का मांस पकाकर भूख मिटाए। पियर्सन पादरी को आगे बताते हैं, उस टाइम जो कुछ भी मेरे सामने हो रहा था सब गलत था, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उन्हें ऐसा करते देखने के सिवाय। इतना सुनने के बाद पादरी के अंदर जरा भी हिम्मत नहीं थी कि इन्होंने आगे क्या किया जरा भी सुन सके। इस तरह आगे की स्टोरी जाने बगैर पादरी वहाँ से चला गया। अलेक्जेंडर पियर्सन के बारे में अब तक जो कुछ भी पता चला था वह सारी बातें जाकर मास्टर को बताया। जब मास्टर ने उसकी ये बातें सुनी तो उन्हें पियर्सन की स्टोरी काफी अलग लगी। वे उसी टाइम डिसीजन लिए कि इस पर हमें एक बुक लिखनी चाहिए, पर बुक लिखने से पहले उन्हें पूरी स्टोरी जाननी होगी। इसलिए पादरी से कहा गया कि तुम वापस से पियर्सन के पास जाओ और फिर पूछो कि जंगल में जाकर उसके बाद क्या हुआ उनके साथ। इस तरह पादरी वापस जेल में आया। पूछने पर पियर्सन आगे की स्टोरी बताना शुरू किया। बताता है कि उस दिन अपने एक साथी को मारकर हम अपना भूख पूरी तरह से मिटा लिए थे। सुबह होने पर हम में पूरी एनर्जी थी, बाकी बचे 7 लोग वापस से चलना शुरू किए। फाइनली पूरे दिन के सफर के बाद ये काफी ऊंचे प्लेस पर पहुंचे जो थी वहाँ की सबसे छोटी पहाड़ी। उसके बाद कई सारी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ी जंगल से घिरी थी, यानी इनके आगे का सफर और भी मुश्किल होगा। आज रात भी होने वाली थी इसलिए रात उसी पहाड़ी पर रुके रहे। सुबह होने पर ये वापस से चलने का फैसला किए। ये आगे भी सर्वाइव करने के लिए इस तरह की हैवानियत पर उतर आए थे जिसके बारे में कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। 20 सफर में इन्होंने जिस बंदे को मारा था अभी भी उसके कई बॉडी पार्ट इनके पास ही थे ताकि अगर दोबारा से भूख लगे तो उसके मांस को पकाकर खा सकें। पियर्सन पादरी को आगे बताता है, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, पर न चाहकर भी हमें शैतानों वाली हरकतें करनी पड़ रही थी। वे उसी डेड बॉडी की हेल्प से अगले 3 से 4 दिनों तक सरवाइव किए। आगे जब इनका फूड सोर्स खत्म हो गया तो अगले कई दिनों तक ये भूख को कंट्रोल रखें। पर जब चीजें इनके कंट्रोल से बाहर जाने लगी तो उनमें से कुछ लोग वापस से किसी एक बंदे को मारने को सोचने लगे। पर पियर्सन इस बार जरा भी नहीं चाहता कि अब दोबारा से हमारे किसी साथी के साथ ऐसा हो। पर जो 2 लोग ऐसा करने का प्लान बना रहे थे
वे किसी के परमिशन के बगैर ही एक बंदे पर हमला कर दिए। पर ये सब जो भी हो, सब कुछ हो रहा था पियर्सन की आंखों के सामने। वह अपनी तरफ से उन्हें रोकना भी चाहा, पर वह हर बार खुद को ही रोक लेता था, क्योंकि उसे भी पता था ये लोग ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तक पूरे एक महीने कंप्लीट होने वाले थे। अगर ये ऐसे ही चलते रहे तो इनका मरना तय था। आगे के सफर में जो भी बंदा कमजोर पड़ता, ये उसे जान से मार देते हैं और फिर उसी के मांस को खाकर जीवित रहते हैं। अब तक पूरे 3 लोग मारे जा चुके थे। 3 लोगों के मरने के बाद पियर्सन ने भी सोच लिया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी भी बारी आएगी, तब वह खुद को मरने से नहीं रोक पाएगा। इसी तरह से चीजें चलती रही। दिन ढलते गए, ये अपने ही साथी को मारकर खाते चले। 45 दिन के अंदर ही पूरे 5 लोग मारे जा चुके थे। पादरी जैसे जैसे पियर्सन का सच जान रहा था, उसे डाउट होने लगा, कहीं यह झूठी मूठी कहानी तो नहीं बना रहा, क्योंकि उसका कहना था हमारे लोग जानबूझकर किसी इंसान को चोट तक नहीं पहुंचाते। फिर तुम लोगों ने इतनी बड़ी हैवानियत को अंजाम दिया कैसे? मगर पियर्सन की तरफ से एक ही जवाब था। उस समय की परिस्थिति ही थी कुछ इसी तरह, हमारे लोग चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। पियर्सन आगे बताते हैं, आखिर में जब हम 3 लोग बचे तो हम लोगों ने फैसला किया कि चाहे जो भी हो जाए हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर 3 में सिर्फ 2 बचे तो हमारा आगे चलकर सरवाइव करना मुश्किल होगा। आगे चलकर कुछ हद तक चीजें ऐसे ही हुई। जब इनका फूड सोर्स पूरी तरह से खत्म हो गया तो वे अगले 3 दिनों तक भूखे ही रहे, पर एक दूसरे पर बिल्कुल हमला नहीं किए। ये इसी तरह जंगल, पहाड़ी, झरने, नदी तथा घाटियों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहे, पर ये जिस मंजिल की तलाश में भटक रहे थे उसका दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक एक भी इंसानी बस्ती नहीं दिख रही। इस बीते सफर के दौरान 3 में से एक बंदे के पैर में काफी गंभीर चोट आ गई। उसका चलना भी मुश्किल हो रहा था, पर ये उसे इस तरह नहीं छोड़े, खुद उसकी मदद करके अपने साथ लेकर चल रहे हैं। अब तक आइलैंड से भागे हुए 50 दिन से ज्यादा कंप्लीट हो चुके थे, पर तीसरे बंदे की हेल्थ लगातार खराब हो रही है। रात को जब ये जंगल में रुके थे तो पियर्सन तथा उसका साथी फैसला किया कि अब और ज्यादा समय तक हम इसे लेकर नहीं चल पाएंगे, सही यही होगा, आज रात ही इसे मार दें। पादरी ने ये बात जैसे ही सुनी पियर्सन पर गुस्सा उठा कि तुम तीनों कुछ दिन पहले ही वादा किए थे कि अब एक दूसरे को नहीं मारोगे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? पियर्सन बताते हैं कि हम क्या कर सकते थे, वह बिल्कुल कमजोर हो चुका था, हम चाहकर भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए हमें उस रात उसे मारना पड़ा। इस तरह आगे की स्टोरी बताई जाती है। अंत में जब हम सिर्फ 2 लोग बचे तो हम पहले से भी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे, घने जंगल को पार किए, बीच सफर में बड़े बड़े झरने भी दिखे जहाँ से पीने के लिए पानी ले लिया था, पर उस दिन थोड़े भी समय रुके नहीं, आगे चलते रहे। झरने को पार करके फाइनली हम वापस से पहुँच गए जंगल में। उस रात वे जिस जंगल में रुके थे वह जंगल अब तक का सबसे घना जंगल था, जहाँ छोटे मोटे परिंदों का भी नामो निशान नहीं। इसी तरह ये दोनों आगे भी लगभग 4 दिनों तक चलते रहे। 4 दिन बाद जब इनका फूड सोर्स वापस से खत्म हुआ तो शाम के टाइम चलने के दौरान पियर्सन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। ऐसा होते ही पियर्सन दोबारा से उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह ऐसा जरा भी महसूस होने नहीं देना चाहता कि अब वह नहीं चल सकता, क्योंकि उसे अपने दूसरे साथी पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे पता है अगर वह जरा भी कमजोर पड़ा तो वह उसे भी मार देगा। फाइनली आज का दिन भी खत्म हुआ। रात को जब दोनों लोग सोने लगे तो पियर्सन को नींद ही नहीं आ रही थी। उसके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे थे। सोच रहा था कि अगर वह गलती से सो गया तो कहीं उसका दूसरा साथी उसे मार न दे, पर वह ऐसा कुछ करता पियर्सन खुद उसे मारने का फैसला किया। जैसे तैसे एक बड़े से हथियार के साथ उसके पास पहुंचा, पर उसे डर है अगर हमला करने से पहले वह नींद से जाग गया तो वह मुझे ही मार देगा। फाइनली ऐसा हुआ भी, पर वह पियर्सन को मार पाता। दोनों के बीच के हाथापाई के दौरान वह बंदा ही मारा गया। वह अपने आखिरी साथी को मारकर इस तरह आखिरी रात भी गुजर गई। सुबह हुआ, सुबह वह कुछ सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया, आग जलाई और फिर उस बंदे के ही डेड बॉडी से कुछ मांस के टुकड़े निकाले जिसे पकाकर खाने लगा। मांस को पकाकर खा ही रहा था तभी उसे लगा कि उसके आसपास कोई और भी है। पीछे मुड़कर देखा तो सच में कोई है। उसके वेशभूषा से देखकर तो यही लग रहा था ये यहाँ के आदिवासी हैं, जो शायद रहते हैं इसी जंगल में। उसके पास हथियार था। पियर्सन ने उस पर हमला करने की कोशिश की पर रुक गया।
वह आदिवासी जिस हालत में पियर्सन को देखा था उसे लगा शायद यह दरिंदा है जो खाते हैं इंसान का मांस। वह उसे वहीं छोड़कर 9-2-11 हो गया। फाइनली उस दिन पियर्सन वहीं पर रुका रहा। अपने सभी लोगों को खोने के बाद वह इतना टूट गया कि अब वह खुद जीवित नहीं रहना चाहता। शाम के वक्त वह पेड़ में रस्सी बांधकर खुद फांसी लगाने लगा, मगर वह खुद की जान नहीं ले सका। इतना सब कुछ जानने के बाद पादरी पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ। पियर्सन बताते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला था। रात को वहीं पर रुका, सुबह होने पर वापस से जंगल में भटकने लगा। थोड़ी देर बाद उसे काफी सारा धुआं उड़ता हुआ दिखा। जब वह उस लोकेशन पर पहुंचा तो देखता है कि ये जगह किसी शमशान की तरह है जहां जलाई जाती है लोगों की डेड बॉडी। ये सब देखकर उसे इतना तो पता चल चुका है इस एरिया में जरूर लोग रहते हैं। अब तक उनके आइलैंड से भागे हुए 3 महीने कंप्लीट हो चुके थे। पियर्सन इंसानी बस्ती की तलाश में जंगल से बाहर भी आ चुका है, पर उसे ये कहां पता कि ब्रिटिशर्स उन्हें ढूंढना बंद नहीं किए हैं। पिछले 3 महीने से ढूंढ रहे हैं उन्हें ही। अंग्रेजों ने जंगल के चप्पे चप्पे पर उन्हें ढूंढा, पर उन भागे हुए 8 लोगों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका है। पर उन्हें अभी भी भरोसा है वे जितने भी दूर भाग लें अंत में वे पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि अब तक अंग्रेज पूरे तस्मानिया पर कब्जा कर चुके थे। शाम को उन्हें खबर मिली कि एक आदिवासी ने उनमें से एक बंदे को जंगल में देखा है। फाइनली ब्रिटिशर्स जब वहां पहुंचे तो पियर्सन आसानी से पकड़ा गया। उसके भागने की सजा के तौर पर कोड़े बरसाए गए, फांसी की सजा भी सुनाई गई, पर उसे सजा मिल पाती वो वापस से जेल से भाग निकला। पर जब दूसरी बार आयरलैंड से भागा था तो उसने कई सारे ब्रिटिश सिपाहियों को भी मारा था, इसलिए उनका गवर्नर फैसला किया कि अब चाहे जो भी हो जाए पियर्सन को ढूंढ निकालो, हम उसे फांसी की सजा देकर रहेंगे। फाइनली पियर्सन को ढूंढने के लिए लंबे समय तक खोज चली, जहां पियर्सन पकड़ा गया, जिसे कैद किया गया होबार्ट जेल में, जहां से वह ये सारी बातें पादरी को बता रहा है। फाइनली समय आ चुका था 19 जुलाई सन 1824 का, जिस दिन लोगों के सामने उसे फांसी दी जाने वाली थी। इस तरह कस्बे के बीच पूरी पब्लिक के सामने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस तरह कुछ ही क्षणों में अलेक्जेंडर पियर्सन की डेथ हो गई। पर जिस वर्ष अलेक्जेंडर पियर्सन को फांसी पर लटकाया गया था उसी वर्ष 6 और कैदी उसी आइलैंड से भाग निकले थे, पर जंगल में पहुंचकर जो उनके साथ हुआ वह सिचुएशन पियर्सन के साथियों की सिचुएशन से बिल्कुल अलग थी, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।